फोन किसको नहीं करने देता, मेरे 10 चिट्ठी के एक जवाब नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कर रहे हैं वो हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा वो गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन हुआ आपको मालूम है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज 101% ऑब्लिगेटरी ऑन द चीफ मिनिस्टर, ही हैज टू गिव रिप्लाई, जो भी गवर्नर पूछेंगे वो डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा, रिप्लाई भी देना पड़ेगा, एक क्लियर वर्ड में है ना, नहीं तो मेरे से ले लेना जजमेंट की कॉपी। सुनिए सुनिए सुनिए, तो पहले तो इनकी बातचीत कर देता हूँ। अब मेरे पे भी थोड़ी सी डांट पड़ी है, मैं छिपाता कहाँ हूँ, उसमें ये बोला है कि अच्छा ये मैंने लेटर का पूछा कि लेटर का जवाब दो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या जवाब दिया था, उन्होंने जवाब ये दिया था कि गवर्नर आप अपना धंधा करो, मैं 3.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ, हैं आपकी बात का कोई जवाब आप नहीं देता क्यों? उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जवाब देना पड़ेगा, अभी तक नहीं आया। दूसरा ये भी बोला है कि भाई गवर्नर इनके बराबरी क्यों करना चाहिए, तो इसलिए रामलीला में जो भी बोले उसका जवाब मैं कैसे दूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बराबरी मत करो। हैं सर, स्पेशल चीज है कि सेशन के, उन्होंने ये भी कल रैली में कहा है कि सेशन के दौरान गवर्नर साहब ने मेरी सरकार नहीं कहा, जब मैं उनको बोला कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तब उन्होंने कहा कि मेरी सरकार, जब सेशन के दौरान जो अभिभाषण हैं, अभिभाषण जो होता है उसमें माय गवर्नमेंट नहीं बोला था गवर्नर साहब ने, जब हमने बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तब उन्होंने जाकर कहा कि माय गवर्नमेंट से शुरू। आई डोंट रिमेम्बर बिल्कुल भी, यदि ऐसा होता तो मेरे इतना भूलता नहीं हूँ, मेरे को छोटी छोटी बात भी याद है, व्हेन आई वाज 5 years old वो भी बात याद है मेरा। और कब बोला स्पीच देने तो मैं खड़ा हूँ, ये इतनी दूर है, बोला होता तो सुनते ना सारे पत्रकार सभी, कहाँ बोला, रिकॉर्डेड है क्या वो, तो मेरे ख्याल से वीडियो। उन्होंने एक्चुअली ये कहा कि आपने जो अब अपना स्पीच दी, अभिभाषण दिया, उसमें आपने मेरी सरकार जो एक टर्म है वो आपने नहीं बोला। नहीं, आई हैड नो हेजिटेशन, मन में हेजिटेशन ही नहीं ना, मेरी सरकार है ना जी, आई एम गवर्नर, मेरे नाम से सारे ऑर्डर निकलते हैं ना A to Z, कैसे नहीं बोलूंगा मैं, आई हैव नो रिजर्वेशन, एक बार नहीं 50 बार बोलता हूँ ना, मेरी सरकार है, तो उन्होंने वो हिसाब से मेरे से बर्तन भी करना चाहिए ना, एक्सपेक्टेड है ना। उन्होंने ये बोला है तो बहुत अच्छा बोला, पॉजिटिव है, उनको आप पूछिए कि जब जब उनकी सरकार है तो आप ऐसा उनसे क्यों व्यवहार करते हो, आप उनको बोलो ना, आप रामलीला ग्राउंड में ऐसा भाषण क्यों देते हो आप, हैं हैं 19-20 तारीख को गवर्नमेंट ने सेशन बुलाया, स्पेशल सेशन, पंजाब गवर्नमेंट ने, क्या आपसे परमिशन मांगी है? सेशन आ जाएगा, उसमें परमिशन दे दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव नो प्रॉब्लम। गवर्नर सर, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी आपने एक चीज की थी, मैंने पूछा था आपसे वो कटारू चक्कर इशू पर, आपने कहा था कि मैं अपील करता हूँ सीएम को, उस अपील का कोई आपको असर देखने को मिला, क्योंकि साथ ही एससी कमीशन की ओर से भी 3 बार उनको रिपोर्ट भेजा, नोटिस भेजा गया, उसका भी कोई जवाब नहीं हुआ? अब उन क्या क्या कर रहे हैं, हम जमा कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 फिर बताऊंगा आपको, हैं हो जाएंगे 15-20 हो जाएंगे, नंबर से बताऊंगा ना आपको अगला टाइम।